डॉक्टरों की लापरवाही से गई नवजात शिशु की जान, चंद पैसों की कमीशन के चक्कर में ली गई नवजात शिशु की जान। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद थाना कटघर क्षेत्र के रामपुर दुराहा पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब मोहम्मद आबिद ने अपनी पत्नी शबाना को डिलीवरी के लिए सनराइजर्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जो कि शबाना की नॉर्मल डिलीवरी द्वारा बेटे को जन्म दिया था। सनराइज हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने नवजात शिशु की तबीयत खराब बताकर मशीनों में रखवा दिया। डॉक्टरों ने दो दिन पहले नवजात शिशु को स्वस्थ बताते हुए कहा था कि आपका बच्चा अब ठीक है, आप ले जा सकते हैं और आप जो बिल अस्पताल का रह गया है वह जमा करा दीजिए। जब पीड़ित पैसे लेकर घर से वापस अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा कि आपके बच्चे की हालत अभी ठीक नहीं है, जबकि पीड़ित ने डॉक्टर शकील से मना किया कि मेरे बेटे को डिस्चार्ज कर दीजिए, मगर पीड़ित की लाख मन्नतों के बाद भी डॉक्टरों ने नवजात शिशु को अस्पताल से छुट्टी नहीं दी। आज नवजात शिशु ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। आबिद ने अपनी सास रेशमा निवासी दादूपुर जो कि आशा है और डॉक्टर गुलजार ग्राम भैंसिया पर कमीशन के चक्कर में डॉक्टर शकील से मिलकर मेरे 9 दिन के ठीक ठाक बेटे की छुट्टी नहीं होने दी, जिसकी वजह से मेरे बेटे की आज मौत हो गई है। मौके पर पहुंची कटघर पुलिस ने पीड़ित से तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर नवजात शिशु की मौत के बाद अस्पताल का स्टाफ अस्पताल छोड़कर मौके से फरार हो गया और आगे की वैधानिक कार्यवाही पुलिस द्वारा की जाएगी, जिसमें पीड़ित का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए ताकि फिर से किसी नवजात बच्चे की जान चंद पैसों के लिए ये फर्जी डॉक्टर न ले सके। और नाम होगा ना, हाँ अनंत, और एक बात ये 7,000 रुपए तो इन्होंने सुबह जमा करवा दिए थे, मैंने बोले मशीनों के 2100 की दवाई ली, 200 रुपए की अब इन्होंने एक इंजेक्शन और लिया है, जैसे ही गंती एक बच्चा ठीक है वैसे, मैंने कहा दो दिन के बजाय 3 दिन रखो, मोटी पार्टी है इनका, मोटी पार्टी मैंने कहा 3,000 रुपए ले लो। हाँ हाँ सही है, लेकिन मैंने कहा अब ये कोई है कि तो हम नीचे पड़ जाए, बात कराओ मेरी। अनस कौन है? अनस मेडिकल वाला होगा कोई अंदर। हेलो हेलो जी, अरे डॉक्टर गुलजार बोल रहे हैं भाई में जी। सलामुअलैकुम साहब। वालेकुम सलाम। मैं कह रहा अरे यार ये आशा आई है बच्चों को लेकर आई है, कम से कम खाते दवा जबड़ा कर इन्हें, इस टाइम परेशानी दोगे तो आयो को लेकर आ जाएंगे कुछ। अच्छा, मैं अभी बात करता हूँ। अभी कह रही है ना तो कोई बेड वेरी आना, बताओ बच्चा है तो हम कहाँ बैठे हैं कहाँ नहीं बैठे हैं। अब डॉक्टर साहब अस्पताल में तो पूरी सब में जगह है, तुम्हें तो पता ही इतना बड़ा अस्पताल है। कहाँ है किन्नू कह रही, बोले एक जगह में लेट ही जाके तो बोले वो कंपाउंडर बेड उठा ले, बोले तुम अपनी जगह खुद बनाओ। अच्छा चलो, तो इन्हें एक आध बेड दिलवा दो, बोले यहाँ पर लेटो आराम से, तुम बैठो लेटो कुछ भी करो सो, और पार्टी जानदार है पैसा खींचते रहो, पैसे की चिंता मत करो। ठीक है समझ गया, नहीं पैसा खींच करो लेकिन उसका इंतजाम तो करवा दो। करा रहा हूँ, करा ठीक है। ठीक हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिद है। अच्छा जो आप अस्पताल पे हो, यहाँ पर क्या मामला पूरा बताएंगे? मेरा बेटा पैदा हुआ था, मेरा बेटा 2 किलो के लपेटे में था, मैं यहाँ पे लेकर आया था घूंगा टोटल पे, इन्होंने हॉस्पिटल में शकील डॉक्टर ने रखा, जो आशा लेकर आई थी, मुझे जो डॉक्टर लेकर आया था उनकी कमीशन बंद हुई थी, मुझे नहीं पता था कि उनकी कमीशन बंद हुई है, उनकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, डॉक्टर शकील की भी रिकॉर्डिंग है जो इनने कमीशन ली है उन्हें। मेरा बेटा 3 दिन में यहाँ पे सही हो गया, दूध पीने लगा, रोन लगा, हंसन लगा, सब बातें करने लगा, मैं बोला डॉक्टर साहब मन की बच्चा सही है, डॉक्टर साहब बोले मुझसे, बोले बच्चा तुम्हारा 100% सही है, सुबह दे दूंगा मैं तुम्हारा बच्चा। जब सुबह को मैंने उनसे बोला तो मेरी सास सगी और डॉक्टर गुलजार यहाँ का भैंसिया का वो चैम्बर में डॉक्टर शकील से बातें करी उन्होंने, डॉक्टर शकील ने आन के मुझसे ये कहा कि बोले 2 दिन अपने बच्चों को और रख दो, क्योंकि उनकी कमीशन देनी थी उसे, मेरे बच्चे को 2 दिन और रखा। फिर मैंने कहा मन की डॉक्टर साहब भेज दो, मन की बच्चा सही है, दूध भी पी रहा है, रो भी रहा है, तो बोले ठीक है मैं भेज रहा हूँ आज। फिर डॉक्टर शकील से बात हुई तो फिर उन्होंने बोले अच्छा 2 दिन और रख लो, अगर तुम्हारी रुकावट है 2 रोटी खाने की तुम्हारे पेट में 4 रख दूँ मैं तो नुकसान होगा नहीं होगा, अगर रहने वाले एसी में हो मैं गर्मी में रख दूँ तुम्हें तो गर्मी में नुकसान देगी ना देगी, अच्छे खासे दवाई दूंगा मैं तुम्हें तो दवाई नुकसान देगी ना देगी, वो ये बताओ। अच्छा, ऑपरेशन मेरे बेटे को अच्छा खासा था, ये बच्चे की ऑपरेशन हुआ था नॉर्मल पैदा हुआ था, कोई ऑपरेशन नहीं है कुछ। अच्छा, नहीं क्या तारीख में आपने यहाँ पे भर्ती करा था? मैंने यहाँ पे आज मेरे बेटे को 6 दिन हो गए थे, फिर 4 दिन जब इन्होंने जब देख लिया कि बच्चे की हालत खराब होने लगी, बोले कमीशन पूरी हो गई, बोले डॉक्टर गुलजार की भी कमीशन हो गई, डॉक्टर आशा की भी कमीशन पूरी हो गई, तो इन्होंने मेरे बेटे का सूजन चढ़ गया दिमाग पे, बेवजह में ट्रीटमेंट करा इन्होंने, फिर बाद में भेजा जब मर गया था मेरा बेटा।
अच्छा तो आपने क्या पुलिस को सूचना दी? मैंने पुलिस को सूचना नहीं दी है, मैं आपको आया हूँ, अब दूंगा पुलिस को सूचना। मैंने तहरीर लिखवाई है कप्तान साहब के लिए, कप्तान साहब के यहाँ सुबह तहरीर देनी है। जो बच्चा था वो कहाँ पर है, कैसा है वो? जो बच्चा था वो कैसा है? वो बच्चा मेरा अब तो ख़त्म हो गया, अब क्या रहा इसमें? अब तो इन डॉक्टर शकील ने मार दिया, जब नॉर्मल है इनने भेजा ना मेरे बच्चे को, दिया जाएगा मेरे हाथ में। मैंने अपनी बहू की वाली भी दिखाई से, मन की मैंने अपनी बहू की वाली रख के चल छे पैसे ला के दिए डॉक्टर साहब, मन की अब भेज दो, अब क्यों ना रोका हुआ ऐसे तो डॉक्टर माना ना। अच्छा डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, जो जहाँ पे आपने भर्ती किया था डॉक्टर की सबकी रिकॉर्डिंग है, आशा की भी रिकॉर्डिंग है, डॉक्टर गुलजार की भी रिकॉर्डिंग है, डॉक्टर साकी और चौकी इंचार्ज मौजूद है, और जो कार्रवाई होगी जो मोती है वो है नहीं, डॉक्टर यहाँ है नहीं, डॉक्टर चले यहाँ से। विवाद हो रहा है किस बात को लेकर हो रहा है यहाँ पर? नहीं, इलाज फिलाज कराया इन्होंने, इस बात का विवाद था, बच्चा है, बच्चा ले इलाज इन्होंने कराया था, यहाँ लाए थे, फिर दूसरे अस्पताल ले गए, और दोबारा आए तो कह रहे हैं डॉक्टर ने पता नहीं क्या मामला है, कह रहे डॉक्टर पर आरोप लगा रहे हैं। जैसे जो बच्चा है वो मृत्यु घोषित हो गया है या जीवित है? तो मृत्यु दिखाई दे रहा है, मृत्यु घोषित है वो, तो अब डॉक्टर बताएगा, डॉक्टर चलेगा, डॉक्टर में तो घोषित कर भी तो विवाद कर रहा हो, तो नहीं है नहीं वो जैसा होगा कार्रवाई होगी, वो चौकी इंचार्ज आ रहे हैं। अच्छा दो दिन पहले ही डॉक्टरों ने ये सनराइज अस्पताल के ये बोला था कि हम बच्चा आपका ठीक है स्वस्थ है, आप यहाँ से जानकारी मुझे देंगे, मुझे इस बारे में फोन आया था, मुझे और कुछ जानकारी।